रास्ता दे दो जल्दी से। हाँ जी बाबा, अभी बाबा ने कहा है ये बाप दादा का आना जाना कब तक चलेगा? हाँ जी, और अचानक होगा और क्या, रुक जाएगा। रुक जाएगा क्या? रुक जाएगा बाप दादा का आना। बाप दादा किसे कहा उन्होंने? कौन सी सभा में बोला ये वाणी? कौन सी सभा में बोली गई है? हाँ, तो ब्रह्मा बाबा के लिए बोला है कि गुलजार दादी में जो पाठ चल रहा है वो कब तक चल रहा है? वो तब तक चल रहा है जब तक ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। एक तरफ ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है, दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त होता है। जब तक ज्ञान सूर्य ही प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो चंद्रमा भी अस्त नहीं हो सकता। नहीं तो इतने बेसिक में बेचारे चल रहे हैं, इनको प्रजा में आने की अंचली तो देंगे कि नहीं देंगे? है उन 100% वीकेज में से 10% के अलावा जो 90% हैं उनको प्रजा में भी नहीं आने देंगे? आने देंगे ना। फिर और 10% तो चंद्रम थे, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी तो मिलकर के राजी करेंगे ना। और माना वो भी एडवांस में आ जाएंगे है? सारी दुनिया एडवांस में आ जाएगी। और सारी दुनिया जब इस सृष्टि पर आवेगी, पहली बार जो भी आत्मा आवेगी वो सच्चाई में आवेगी या झूठ में आवेगी? सच्चाई का वाइब्रेशन लेकर के आवेगी। और सत्य को ही एडवांस कहा जाता है। हाँ? नहीं मालूम पड़ेगा? हाँ तो लास्ट में लास्ट वालों को मालूम पड़ेगा, फर्स्ट में फर्स्ट वालों को मालूम पड़ेगा। फर्स्ट जन्म सब लेंगे क्या? फर्स्ट लोग, फर्स्ट में सभी लोग जन्म लेंगे या नंबर बार लेंगे? नंबर बार लेंगे। उसके बाद सेकंड में जो आवेंगे वो भी नंबर बार लेंगे। ऐसे होते होते 500-700 करोड़ में से कोई भी नहीं बचेगा जो ये न जाने कि बाप आया हुआ है। बाबा अभी जो अचानक का बात बताया है, यही बात अभी अमृत वाणी में 4-5 वाणियों में अभी रिसेंटली आ रहा है। कहीं ना कहीं एक एक जगह में 4-5 क्यों, कई साल से आ रहा है। हाँ आ रहा है, लास्ट ईयर से। हाँ तो यही बात के लिए बोला है, अचानक समय समय का कोई भरोसा नहीं, अचानक होना है ऐसा बिल्कुल बोलते आया। हाँ जी और बाबा, लौकिक दुनिया में भी जब भी कोई कुछ डेवलपमेंट होती है रिसर्च के तरफ पे, उसकी जो न्यूज जो आती है वो थोड़ी दिनों के बाद आती है, लेकिन जो काम चलता है उनका बहुत पहले से काम शुरू हो जाता है। काम जो शुरू होता है, जी कोई प्रोडक्ट भी डेवलप करे या कुछ भी करे, उसकी जो काम जो है बहुत पहले से शुरुआत होती है, लेकिन जो न्यूज होती है वो थोड़े दिनों के बाद आती है। अरे पूरी पकेगी तभी ऊपर आएगी ना। तो उसी तरह क्या यहाँ पर भी कहीं पर भी काम संपन्न होगा तभी बात प्रत्यक्ष होगी? जब तक कच्चा है आम नीचे नहीं गिरेगा, पक्का हुआ और आम डाली से टूट जाएगा। और इसका मतलब 36 के पहला ही बाबा आ गए हैं? इसका मतलब क्या है? इसका काम शुरू हुआ 36 में? काम काम 36 पहले शुरू हुआ क्या? फिर बाबा का जो आने का जो न्यूज बताया गया था वो 36 में ही बताया गया, लेकिन क्या शिव बाबा पहले ही आए थे? पहले से ही उन्होंने कार्य शुरू कर दिया? पहले माने क्या?
36 में बताया गया कि अब कार्य शुरू हो चुका है क्या? 76 में ना, ना 36 में, 36 में, 1936 का बात। लेकिन उससे पहले क्या बाबा आए आकर अपना कार्य शुरू कर दिए थे उन्होंने? पहले से क्यों आएगा, जब चिल्लाएंगे तभी तो आएगा। जब जोर से चिल्लाएंगे, 40 करोड़ मनुष्यों की आवाज में चिल्लाया गया, पतित पावन आओ, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, इतनी बड़ी जनरेशन में दुनिया में कभी आवाज नहीं फैली, और उस समय आवाज फैल रही थी। अंग्रेजों से त्राहे त्राहे हो करके, और उस आवाज में बयालीस में आवाज और ज्यादा तीव्र गति से बढ़ गई। तो बाप को आना पड़े ना। और है धर्मराज के दूत थोड़े नहीं है, धर्मराज अकेला नहीं है। जैसे जगदम्बा अकेली नहीं है, जगदम्बा के रूप में पार्ट बजाने वाली भुजाएं ढेर की ढेर हैं, ऐसे ही धर्मराज के दूत भी मुख्य है 108। अब जिसका जिसके साथ कनेक्शन है दंड देने का, वो उसी के साथ पार्ट बजाएगा। अपना अपना हिसाब किताब है। और आदि के काल से अफगानिस्तान जो है, आज का अफगानिस्तान जो है, आदि में भी उसका नाम जो गांधार जो था, उस भूमि में आज पहले भी रक्त बहता था, आज भी रक्त बह रहा है, उसका अर्थ क्या होगा इसमें? क्योंकि ये शकुनियों की दुनिया है, शकुनियों का राज्य है, यहाँ डबल पार्ट बजाने वाले पैदा होते हैं। एक ही देश में डबल पार्टदारी है। और अफगानिस्तान का अर्थ ही है अफसोस का गायन करने वालों का स्थान। कोई ऐसा काम करते हैं तो बाद में अफसोस होता है, ऐसा हमने क्यों किया। बाबा भी कहते हैं इस ब्राह्मण परिवार में जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है वो बहुत खौफनाक खतरनाक है, ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। तो अपना अपना पार्ट है। और जब 2018 में आपकी प्रत्यक्षता होगी, उस समय से वैकुंठ की स्थापना होगी, नंबर 1-1 शुरू होगी, तो रौरव बाहरी दुनिया में चलेगी ना, लेकिन वैकुंठ में विक्रमजीत संवत शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाहरी दुनिया में जो कैलेंडर अभी चल रहा है ना, वो खत्म होके नई कैलेंडर शुरू हो जाएगी। बाहरी दुनिया में प्रत्यक्षता हो जाएगी। हमारी बात का जवाब दीजिए। एकदम नहीं, हाँ तो धीरे धीरे होगा। एक तरफ जय जयकार, दूसरी तरफ हाहाकार। हाहाकार करने वालों की संख्या ज्यादा होगी या जय जयकार करने वालों की संख्या ज्यादा होगी? 18 में हाहाकार करने वालों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में होगी, और जय जयकार करने वालों की संख्या बहुत थोड़ी होगी।
और अरे जोर से भी बोल दो जन्म बार करते द्वापर कलयुग में राम बाप की आत्मा जो है भारत में ही 63 जन्म लेंगे या बाहर फॉरेन में भी लेंगे? बता तो दिया, शिव बाप आते हैं वो 21 जन्म की बात सही देते हैं, वो है रूहानी बाप, वो रूहानी बात सही देने वाला है, वो सतयुग त्रेता में रूहानी बात सही चलती है। फिर जिस्मानी बात सही भी मिलती है या नहीं मिलती है? किससे मिलती है? जिस्मानी बाप से जिस्मानी बात सही, रूहानी बाप से रूहानी बात सही। धर्म स्थापन नहीं करता है जिस्मानी बाप, धर्म की स्थापना में सहयोगी नहीं बनता है। विधर्मियों की स्थापना नहीं करता है, विधर्मियों में जन्म तो लेता है लेकिन किस लिए जन्म लेता है? धर्म की वृद्धि के लिए जन्म नहीं लेता, लेकिन उस धर्म के जो अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड बच्चे हैं उनको भी राजाई मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? तो उनको राजाई स्थापन करने में मदद देने के लिए जिस्मानी बाप का भी पार्ट नुदा हुआ है, तो उसके लिए एक जन्म ही काफी है या अनेक जन्म लेना जरूरी है? हाँ? अरे जिस्मानी बाप जो बेहद का बाप है, जब रूहानी बाप आता है तो एक जन्म में ही सारे संस्कार भरता है या अनेक जन्मों में संस्कार भरता है? एक जन्म में ही सारे संस्कार भर लेता है। ऐसे संस्कार भरता है तीव्र पुरुषार्थ के, जो हिस्ट्री में प्रसिद्ध हैं कि बाबर उसी जन्म में साधारण सिपाही और उसी जन्म में साधारण सिपाही से बढ़कर सारे देश का सम्राट बनकर के बैठ जाता है और मुगलों की राजाई स्थापन हो जाती है। तो एक जन्म ही काफी है एक धर्म की स्थापना के लिए। काहे की स्थापना? एक धर्म में राज्य की स्थापना के लिए एक जन्म ही काफी है। इसलिए अव्यक्त वाणी में याद दिलाया, बाप दादा के तीव्र पुरुषार्थ को तो तुम बच्चियां जानती हो ना? ये तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार बाप दादा माना शिव की आत्मा, शिव और राम की आत्मा अथवा राम और कृष्ण की आत्मा, किसे कहे हैं बाप दादा? कौन तीव्र पुरुषार्थ करता है? राम और कृष्ण की आत्मा एक शरीर में रहकर जो पार्ट बजाती है वो तीव्र पुरुषार्थ का पार्ट है, वो संगम युग में ही भरा जाता है और दूसरे युग में सिर्फ प्ले करने का पार्ट है, भरने का पार्ट नहीं है। तो एक धर्म की स्थापना करने में राज्य तैयार करने में
एक जन्म जो है वो नुदा हुआ है। तो 10 धर्मों में कितने जन्म होने चाहिए? 10 धर्म की स्थापना राज्य की करने में ज्यादा से ज्यादा 10 जन्म ही काफी है, बाकी काम पूरा हुआ तो रूहानी बाप वापस चला जाता है या बैठा रहता है? हैं? रूहानी बाप भी वापस चला जाता है अपने देश में। उसका अपना देश कौन सा है? रूहानी बाप का देश है। रूहानी कौन सी दुनिया? रूहानी दुनिया परमधाम। और जिस्मानी बाप का देश है भारतवर्ष, तो भारत में वापस जाएगा। और वो 10 जन्मों में दादा कभी गिना जाता है क्या? वो मुस्लिम धर्म नहीं है? तो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म में उनको राजा ही तो पहले ही फार्म में मिल जाता है ना? फार्म में मिल जाता है, यहाँ भारत की बात हो रही है। भारत में सब धर्मों का राज्य चलता है दिल्ली में या नहीं? दिल्ली एक ऐसी धरणी है जिसने सब धर्मों की अपनी गोल में पालना की है, तो यहाँ भारत की बात है। भारत में दिल्ली का तख्त दिलाने के लिए बाबा जी मित्र बनते हैं। बाप का पार्ट नुदा हुआ है। हाँ जी, तो फॉरेन में नहीं? फॉरेन की है। अभी इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म जो है, जो धर्म भी स्थापन हुए हैं दुनिया में, उन धर्मों का फाउंडेशन भी कहाँ से पड़ता है? भारत से ही पड़ता है। और द्वापर युग में पहले इस्लाम जो क्रिश्चियन धर्म बाहर विदेशों में फैलता है ना, उस समय उनको राज्य वहां मिलता है ना, वहां कौन दिलाता है? इस्लाम धर्म जो है वो, इस्लाम धर्म की शुरुआत जो है वो भी भारत से ही होती है, विदेश से धर्म की शुरुआत नहीं होती है। भारत में ही इस्लामियों ने जब इंद्रियां चंचल करने का दुष्ट पाठ बजाया, दृष्टि से और कर्म इंद्रियों से व्यभिचार फैलाया, तो भारत की सूर्यवंशी आत्माएं बिफर गईं और उनको आक्रमण करके भगा दिया। वो अरबियंस दूर देश में चले गए, अरब देश की ओर, वहां जाकर के वो स्वतंत्र हो गए अपने बीवी बाल बच्चों के साथ व्यभिचार फैलाने के लिए। इसलिए उस धर्म का मिसाल 84 लाख योनियों में से कौन सी योनि से की जाती है? कुत्ता बहुत वफादार भी होता है। इस्लामियों की सेना जितनी वफादार होती है उतने वफादार राजपूतों को छोड़ करके और कोई भी नहीं होते, और बेविचारी भी बहुत होते हैं। लेकिन बाबा, ये सिख धर्म उतना वफादार नहीं होता है क्या? सिख धर्म अगर इतना वफादार होता तो अपने धर्म पर उतना मजबूत भी होना चाहिए। सिख धर्म वाले विदेशियों में कन्वर्ट हो गए कि नहीं? आज आतंकवादी बन गए कि नहीं बन गए? फिर जब अरब देशों में चले जाता है, वहाँ पहले धर्म राज्य शुरू करता है ना, वहाँ बाबा नहीं दिलाते क्या? विदेश की राज्य की बात नहीं है, ये माता पिता का घर है। यहाँ जो फाउंडेशन पड़ता है बहुत सारे संसार में फैलता है। दिल्ली का तख्त दिलाने के लिए निमित्त बनते। दिल्ली में मुगल शासन प्रत्यक्ष है और प्रसिद्ध है, विदेशों में उतना प्रसिद्ध नहीं है। इसलिए यहाँ की राजाई मुख्य है।
जो इस्लामी है वो तो पुराने इस्लामी, जो ओरिजिनल इस्लामी थे वो मूर्ति पूजक थे, मूर्तियों की पूजा करने वाले थे। बुत परस्त थे। बाबा वैसे तो क्रिश्चियन धर्म का जो है उसका भी यहीं पर से क्या ये होगा जो अपना यहाँ से जो नीति उसका क्या ये है? क्रिश्चियंस इस्लामियों की तरह, मुसलमानों की तरह सारे विश्व पर राज्य नहीं कर पाते। इतने लंबे समय तक जितना लंबे समय मुसलमानों ने विश्व पर राज्य किया है, क्रिश्चियन लास्ट में जाकर के सारे विश्व पर विजयी होते हैं। तो लास्ट का समय है उनका माया का पंप एंड शो, 100-200 वर्ष का। ये 100-200 वर्ष की जो राजाई का फाउंडेशन है वो भी भारत में ही पड़ता है। और बाबा पुराणों में लिखा गया है कि असुर और देवता है साथ में मिलकर सागर मंथन करके जो अमृत कलश का ये किया था, तो उसको बांटने का काम विष्णु ने मोहिनी के रूप में आकर करवाया, उसका यहाँ पर अर्थ क्या होगा? बोल तो दिया विजयमाला का आवाहन करो। विजयमाला अर्थात विष्णु की माला, विष्णु की माला का मुख्य मणका कौन होगा? ब्रह्मा सो विष्णु होगा या शंकर होगा? है विष्णु ही होगा। जो ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाला है वो ही विष्णु बनता है। और भारत वर्ष का क्या तर्क होता है बाबा भावना में? भारत क्या फर्क होता है भावना में? वर्ष कहा जाता है स्थान को, और भारत चैतन्य में कोई व्यक्ति भी है जो भरत की संतान कहा जाता है। भरत माने भरण पोषण करने वाला विष्णु, और विष्णु की संतान है भारत। जैसे ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण, शिव की संतान शैव, जिन की संतान जैन, ऐसे ही विष्णु की संतान वैष्णव, भरत की संतान भारत। अर्थ भी ऐसा ही है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, माने ऐसा कोई ब्राह्मण है जो ब्रह्मा सो विष्णु की संतान है, जो ज्ञान में ही रमण करने वाला है, उसका नाम भी पड़ता है नारायण। नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर, जिसका ज्ञान जल में ही घर बना हुआ है। देवान में घर नहीं है, काहे में घर है? ज्ञान जल में घर है। तो वो भी ब्रह्मा की संतान है, संपूर्ण ब्रह्मा की संतान है, अपूर्ण ब्रह्मा की संतान नहीं है। और आवाज हमारे पास तक आनी चाहिए। जो भी व्यक्ति पास आगे और अंत में भी चल रहा है, अंत में ब्रह्मा का आत्मा प्रवेश करके पास कर रहा है, लेकिन आगे में कैसे है? किसका? दो भी हाँ, तो एक आदि में भी चला और अभी भी चल रहा। हाँ, अभी तो ब्रह्मा की स्वरूप प्रवेश है, लेकिन यज्ञ के आदि में कैसे? अभी ब्रह्मा की स्वरूप प्रवेश है, सो क्या हुआ?
उसमें आदि पिता ब्रह्मा नहीं था? प्रजापिता भी पहला ब्रह्मा है या नहीं है? तो प्रवेश करके शाम वाले आश्रम में पाठ बजा रहे थे, आदि में कैसे आदि में ब्रह्मा था या नहीं था? तो बोई आदि में भी ब्रह्मा था और अभी भी ब्रह्मा है। आदि में प्रजापिता ब्रह्मा था, बीज रूप में था, थोड़ी आत्माओं के लिए पाठ चला और अंत में पांच ब्रह्मा की आत्मा इकट्ठी हो जाती है, तो पाठ बढ़ेगा या घटेगा? और बढ़ जाएगा। और बाबा बाइबल में चमत्कार के बारे में यानी जीसस ने काफी सारे चमत्कार किए ऐसे बोला जाता है, लिखा भी गया है कि जिन लोगों ने शरीर छोड़ा उन लोगों को जाकर जीसस ने फिर से उनको जीवित किया। वैसे ही इसका अर्थ क्या होगा, क्योंकि ये पता तो नहीं कि ऐसे कोई कर भी सकता है या नहीं, लेकिन उनकी मान्यता ऐसी है और वो मानने को तैयार नहीं कि ऐसे नहीं हो सकता। जो भी धर्म पिताएं हैं वो भगवान के साकार रूप को मानते हैं या अपन को ही शिव हम बना के बैठे हुए हैं? तो काम कैसे करेंगे? उन्हें भगवान तो मिलता नहीं प्रैक्टिकल में साकार में, और प्रैक्टिकल में अगर भगवान आ भी जाए साकार में तो जल्दी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक मानने के लिए तैयार नहीं है तब तक अपने फॉलोअर्स में वो अपने को ही भगवान सिद्ध करने के चक्कर में रहते हैं, इसलिए ऐसी ऐसी कथा कहानियां बनाई हुई हैं, झूठी झूठी कथा कहानियां सुना करके धर्म स्थापन किया हुआ है। असलियत यो ये है कि भगवान भी प्रकृति के नियमों को तोड़ता नहीं है। भगवान एक होता है, धर्म पिताएं अनेक हैं, उन धर्म पिताओं में गुरु अनेक हैं, सदगुरु कोई भी नहीं है, सदगुरु तो सिर्फ एक भगवान है। और एक प्रश्न आया है, पुरुष स्त्री को विकार के लिए बांधेली माताओं को जबरदस्ती करते हैं तो उनको श्रीमती दी जाती है माताओं को कि बाप की याद में रह करके मुर्दा बन जाओ? इंद्रियों को निरस्त कर दो, लेकिन अगर भाई ज्ञान में चल रहे हैं और माता ज्ञान में नहीं चल रही है और माता पुरुष को विकार के लिए जबरदस्ती करती है तो पुरुष के लिए क्या श्रीमत है? पहली बात है कन्याएं माताएं सब सीताएं हैं, सब अबलाएं हैं, भक्तियां हैं, द्रौपदियां हैं, कोई कोई सुपनखा पूतना होती है, और जो सुपनखा पूतना होती है वो कोई पुरुष के कंट्रोल में रहती है या कंट्रोल से बाहर रहती है? हैं? कंट्रोल से बाहर रहती है। ऐसी जो कंट्रोल से बाहर रहने वाली है, मोस्टली शरीर से अबला होती है या शरीर से भी सबला होती है? मोस्टली क्या होता है? अबला ही होती है। अगर सुपनखा पूतना जैसा कर्म करती भी है
विकार मांगने का और जबरदस्ती करने का, तो मुरली में बोला है पुरुष को अपनी स्त्री को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। किसी ने इस बात पर ध्यान दिया कि नहीं मुरली के मां वाक्य पर? है नहीं दिया? दिया है किसी ने? ध्यान होना चाहिए। है हाँ, अगर नहीं ध्यान दिया है तो उस पर ध्यान होना चाहिए। स्त्री रचना होती है और पुरुष रचयिता होता है। रचना रचयिता के कंट्रोल में रहे या न रहे, बाय चांस अगर रचना रचयिता के कंट्रोल में नहीं है तो वो रचना रचना नहीं है। और जब रचना ही रचना नहीं है, रचयिता के कंट्रोल में नहीं है, तो संसार को दिखाने की जरूरत है क्या कि हमारी रचना है? जरूरत है? नहीं जरूरत है। दूसरी बात, सीधा सीधा कोई को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। हमारा ज्ञान किसी को जबरदस्त कंट्रोल करना नहीं सिखाता है। क्या सिखाता है? है? पहले स्वयं को कंट्रोल करना है या दूसरे को कंट्रोल करना है? पहले खुद की इंद्रियों को कंट्रोल करना है या दूसरे की इंद्रियों को कंट्रोल करना है? है? खुद को कंट्रोल करना है। हम दूसरों को अगर जबरदस्ती कंट्रोल करना करते हैं तो हम मुसलमान धर्म की स्थापना करने वाले हैं। मुसलमानों का धर्म तलवार के जोर से ही मुसलमान बनाता है, और बाबा का धर्म योग बल से, योग माने स्नेह, प्यार के बल से परिवर्तन कराता है। तो पहले प्यार का शस्त्र अपनाना चाहिए। बाद में दूसरी बात, और बाबा 2018 में ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर का है। ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म है 2018 में खत्म। हाँ जी, फिर वो स्थूल शरीर लेंगे क्या? क्या करेंगे? स्थूल शरीर में मुकर्रर रूप से राम वाली आत्मा के सहयोगी बन करके चलेंगे। अभी राम वाली आत्मा के सदा सहयोगी हैं या कभी सहयोगी हैं कभी विरोधी हैं? कभी विरोध में भी पार्ट चलता है और कभी सहयोग में भी पार्ट चलता है। फिर सदैव हनुमान का पार्ट चलेगा। हनुमान हर कार्य में सहयोगी था या विरोधी भी था? हर काम में सहयोगी था। विष्णु रूप था श्री कृष्ण वाली आत्मा, हीरोइन का पार्ट बजाएगी, और राम वाली आत्मा हीरो का पार्ट बजाएगी। शरीर एक ही होगा या अलग अलग शरीर होंगे? है, एक ही शरीर होगा। और कृष्ण का पाँव देखे मोर रोते हैं। कृष्ण को पाँव देखे मोर रोते हैं। कृष्ण का पाँव देखे मोर रोते, कृष्ण का पाँव देखे मोर मोर हाँ रोते हैं। कृष्ण के पांव कहाँ से दिखाई पड़ देते हैं, पड़ जाते हैं पक्षी को, जानवर को?
अरे आदमी तक को नहीं दिखाई पड़ते हैं तो जानवर को कहाँ से दिखाई पड़ गए? भक्ति मार्ग में ये मानते हैं कि मोर जो है अपना सारा शरीर देख करके, डांस देख करके प्रसन्न होता है कि, लेकिन जब अपने पांव को देखता है तो रोता है। डांस करते समय उसके पांव एड़े टेढ़े पड़ते हैं, माने चलन अच्छी नहीं है, सारा पार्ट अच्छा है, सारा ज्ञान का डांस अच्छा है, लेकिन ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? उनकी शिकायत क्या है? एडवांस का ज्ञान तो बहुत अच्छा है लेकिन है? लेकिन चलन अच्छी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? वो ज्ञान डांस को देखती है या चलन को देखती है? चलन को ज्यादा देखती है। तो किसके लिए है ये बात? उनको नहीं पता है कि कृष्ण की आत्मा इस समय ज्यादा परसेंटेज में कौन से शरीर में पार्ट बजाती है। मुरली में तो बोला है कि मेरा एक ही मुकर्रर रथ है। जब एक ही मुकर्रर रथ है शिव का, तो बाकी रुद्रमाला के मणकों में कौन प्रवेश करता है? जो अनेक मुख दिखाए जाते हैं रुद्राक्ष के मणकों में, किसकी यादगार है? किसकी यादगार है? है ब्रह्मा की सोल अथवा राम वाली आत्मा, उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है। जब स्थूल शरीर छोड़ दे तब की बात है। तो ब्राह्मण बच्चों में मम्मा बाबा की सोल प्रवेश कर सकती है, शिव की सोल प्रवेश नहीं करती है। शिव तो एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। सिर्फ एक सौ आठ में करता है सेवा के लिए। कौन? वो कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव का प्रवेश है। वो बाप दादा कह सकते हैं कि बाप दादा ने प्रवेश किया, शिव ने प्रवेश किया। ऐसा करने वाले बाप को गाली देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमपिता परमात्मा शिव एक व्यापी नहीं है, क्या है? सर्वव्यापी साबित करते हैं। और शिव भी प्रवेश करते हैं और दादा भी प्रवेश करते हैं ना? हाँ, दोनों आत्मा भी प्रवेश करते हैं। हाँ, तो एक ही मुख कैसे बोल रहे रुद्रमाला? रुद्राक्ष के मणकों में अनेक मुख भी होते हैं, अनेक मुख वाले अनेक मणके मिलते हैं, अनेक रुद्राक्ष मिलते हैं, लेकिन एक मुख वाला रुद्राक्ष बहुत कम मिलता है। जैसे आज दुनिया वालों को मुकर्रर रथ धारी भगवान कौन से रथ में प्रवेश करके कार्य कर रहा है पहचानना बहुत मुश्किल है, जान नहीं सकते, धर्मात्माओं में फंस जाते हैं, महात्माओं में फंस जाते हैं, साधु संतों में फंस जाते हैं, लेकिन भगवान उनको दिखाई नहीं देता जो एक व्यापी होकर के पार्ट बजाता है। तो जैसे दुनिया वालों के लिए एक मुख वाला पहचान में नहीं आता, ब्राह्मणों की भी यही हालत है। आज एक मुख वाले को पहचानते हैं, कल उनको शैतान दिखाई पड़ता है।
तो जानना न जानना बराबर हो गया। मुकर्रर रूप से बुद्धि में ये नहीं बैठता कि एक मुख वाला यही है या कोई दूसरे हैं। ये प्रक्रिया निरंतर 2018 तक चलती रहेगी और तीव्र गति से चलेगी। उसी में मणकों के पार्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। अपने अपने अंदर अनुभव करने लग पड़ेंगे कि एक मुख वाला मणका हमने जाना या नहीं जाना, और जाना तो कितने परसेंटेज में जाना। तो एक मुख का मणका अभी भी नहीं मिलता है, और आगे चल के प्रैक्टिकल में भी लोगों को नहीं मिलेगा। पहचान होने के बावजूद भी, निश्चय बुद्धि होने के बावजूद भी मिल नहीं सकेंगे। तो ये रुद्रमाला के उस रुद्राक्ष मणके का गायन है कि एक मुख वाला विरला मिलता है और विरलों को मिलता है, बाकी अनेक मुख वाले ढेर के ढेर रुद्राक्ष मिल जाते हैं, और मिलते भी हैं नेपाल में। कहाँ मिलते हैं? नई पालना वाले स्थान में, नई दुनिया की पालना करने वालों का जो स्थान है, बेहद की बात है, उसी ग्रुप में मिलता है, दूसरे ग्रुप में नहीं मिलता है। और असंख्य चोर हराम खोर की बात विकार के लिए बताई है कि बाबा ने ब्राह्मणों की जो दुनिया स्थापन की है, उस ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने बोला है कि तुम ब्राह्मण बनो, ब्राह्मण अर्थात पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र कर्मेंद्रियों की कृति, पवित्र वाइब्रेशन वाले। लेकिन इस बात में हरेक ब्राह्मण कुछ न कुछ चोर बनकर के रह जाता है, इसलिए गुरु नानक ने ये सच्ची बात बोल दी। क्या? असंख्य चोर हराम खोर। बच्चे दो प्रकार के होते हैं, हराम के बच्चे होते हैं और दूसरे हलाल करने वाले बच्चे होते हैं। हराम खोर बच्चे उनको कहा जाता है जो अपनी बहनों के ऊपर ही आक्रमण कर देते हैं, तो बाप गुस्से में आके कहता है हराम कहीं का, निकल जा मेरे घर से। इसलिए गुरु नानक ने भी कह दिया। क्या क्या बोल दिया? हराम खोर असंख्य चोर दुनिया में भरे पड़े हैं, कमी नहीं है। और जिस साथ में आए डायरेक्ट एडवांस में आए, और 30 साल मिलते हैं पुरुषार्थ के लिए, 30 साल मिलते, 30 इयर्स 30 साल पुरुषार्थ के लिए मिलता है टाइम। बाबा ने बोला जो आत्मा को शतप्रधान बनने के लिए आत्मा को शतप्रधान बनने के लिए 50-60 वर्ष लगता है, तो इस शूटिंग कैसा है? कहा 50-60 वर्ष तो बोला नहीं है, ये तो आपने अपनी तरफ से मिक्स करके बोल दिया। बाबा ने बोला है तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष तक लगते हैं। क्या बोला? आपकी 30 साल वाली बात गलत हो जाती है। फिर से दोबारा मुरली को सुनना, फिर प्रश्न रिवाइज करना। और 40 वर्ष में सतो प्रधान बनने वाली आत्माएं कौन कौन है? हैं? क्यों बाप अकेला सतो प्रधान बनेगा? राम और
कृष्ण की आत्मा, ये कंबाइंड रूप है जिसे संपूर्ण अर्धनारीश्वर रूप कहा जाता है। एक ही शरीर में विष्णु रूप है, इनके लिए 40 वर्ष चाहिए, 30 वर्ष नहीं बोला। एडवांस में डायरेक्ट जो आता है किचन में उनको आपने उसकी बात 30 साल की कही, तो 30 साल में सत्व प्रधान नहीं बन सकता। तो वही पूछा जो इसका शूटिंग कैसे कहाँ होता है, कैसे कहाँ होती है, आप क्लियर तो करो 30 साल कब से। 36 लास्ट 36 से 30 साल 2006 में उनका भर्ती हो गया, तो 30 इयर्स हो गया ना। 2006 में भर्ती हो गया, भर्ती हुआ हाँ। 36 नई दुनिया शुरू होने वाला, तो 30 इयर्स मिलता है, 30 इयर्स मिलता है पुरुषार्थ के लिए हाँ। तो 40-50 वर्ष होगा तो भी जो 10-20 वर्ष ये टाइम कैसे था पूरा होगा, साबित ही नहीं होता। साबित तब होता है कि वो आत्माएं पहले भी जन्म ले चुकी हों यज्ञ के आदि में। एडवांस में जो भी आते हैं बाप के पार्ट को कुछ न कुछ पहचानते हैं, तो वो आत्माएं दीदी दादी दादाओं के मुकाबले श्रेष्ठ हैं या नहीं है। जब श्रेष्ठ हैं तो उनके मुकाबले बच्चा बुद्धि है या सगीर बुद्धि है, है? सगीर बुद्धि है। सगीर बुद्धि होने के कारण वो यज्ञ के आदि में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ने ये भी बोला जो सुजनशील बच्चा यज्ञ का आदमी था, बाबा कर्मणातर ने शरीर छोड़ के यज्ञ छोड़ चला गया हाँ। सुजनशील जो बच्चा वो भी चला गया, तो क्या हुआ? तो बाबा यज्ञ में कितने साल था? थर्टी सिक्स से फोर्टी सेवन तक रामबली आत्मा जो सोई छोड़ा कितने साल में? 47 क्या 42 तो 36 से 40 कितने साल यह मिला? 7 वर्ष 6 इयर्स मिला यहाँ। 1936 से 42 में राम की आत्मा शरीर छोड़ दिया शुरू में हाँ। तो सूर्यवंशी जो बच्चा वो भी बाबा का साथ शरीर छोड़ के चला गया। बात ही शरीर माने 42 में ही सब शरीर छोड़ते हैं, बाद में शरीर नहीं छोड़ते। जन्म लेने के लिए तो बताया कि बाप और बच्चों का जन्म इकट्ठा होता है, लेकिन ये तो नहीं बताया कि मरण भी इकट्ठा होता है। ये भी बताया तो 42 में बाप ने शरीर छोड़ा, तो जो सूर्यवंशी बच्चे जो दूसरे थे वो नंबर बार बाद में शरीर छोड़ते गए हाँ। कोई ने पहले छोड़ा, कोई ने बाद में छोड़ा। उस वक्त का टाइम उस समय भी गिनती किया जाएगा? क्यों नहीं गिनती किया जाएगा? हाँ जी आप तो अपने ही गांव में बोल रहे हैं, हमारे काम तक आवाज तो आने दो। क्या सुना है इन्होंने? हाँ? अरे जिंदा भाषा में भी बोल दो, संस्कृत तो मरी हुई भाषा है, कभी समझ में नहीं आती है जिंदा आदमियों को। इसका हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद कर दो। भाषा मलयाली कोई नहीं जानता।
अरे मलयाली का कोई भी कन्नड़ी नहीं है, दूर से बोलो। नहीं बाबा, वो बोल रहे तो संस्कृत में, तो आवाज नहीं पहुँच रहा। आवाज नहीं पहुँच रहा, आप सुन लो। नहीं है प्रज्ञानम ब्रह्मा, संस्कृत में इसका अर्थ ये हुआ, प्रमाणे प्रकष्ट रूपेण, ज्ञानम माने ज्ञान, जिसके अंदर प्रकष्ट रूप का ज्ञान है वो ही ब्रह्म है। साधारण ज्ञान है, हर बात का अर्थ नहीं आता है तो ब्रह्मा नहीं है संपूर्ण। संस्कृत के विद्वान मानते हैं कि ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, ब्रह्मा के उच्छ्वास से, ब्रह्मा के मुख से जो हवा निकली, उच्छ्वास निकली, उससे चारों वेद प्रकट हुए। माने वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से निकली, तो जिसके मुख से वेदवाणी निकली है वो प्रज्ञानम ब्रह्मा नहीं है, वो ज्ञानम ब्रह्मा तो है, क्योंकि जो भी वाणी निकली है उसको रिपीट तो कर सकता है, किया है, लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानता न बता सकता है। लेकिन प्रज्ञानम ब्रह्मा वो है जो ब्रह्मा के मुख से निकले वाक्यों को, वेद वाक्यों को प्रकष्ट रूप से पहचान करा सकता है, पहचानता है, हिज्जे हिज्जे करके बता सकता है, उसको कहा जाता है प्रज्ञानम ब्रह्म। और जिस्मानी सेहत का भाव जो राजा ही देने के लिए है हर धर्म वालों को, उसके साथ साथ जो वापस से बाहर के आदि से शरीर के अंग तक मिलते हैं ना, हर प्रकार का जो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिस्मानी भाव से वर्षा मिलती है तो वो तो द्वापर युग से मिलती है ना। जिस्मानी बाप से राजाई का वर्षा मिलता है, जिस्मानी राजाई का। हाँ, द्वापर के आदि से कलयुग के अंत तक सब मनुष्यों को मिलती है ना, हर प्रकार का सुख जो मिलती है। अरे सुख का वर्षा नहीं देता है, राजाई का वर्षा देता है। सुख शांति का वर्षा तो बाप ही देता है, मनुष्य कोई सुख शांति नहीं दे सकते हैं, प्रजापिता भी मनुष्य है, भले वो राजाई का वर्षा देता है जिस्मानी राजाई, लेकिन उससे सुख शांति मिले ये कोई गारंटी नहीं है। और ओम शांति।